शास्त्री वंडी इंदौर, श्रीमान सुनील अरुणा जैन वंडी इंदौर, अजय शमानी अजमेर, लविक जैन कोटा, ये आएंगे सब परिवार परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत गुरुवर के चित्तरवण दीप प्रज्वलन, गुरुवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का और शांति पात प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए पहुंचेंगे और हमारे क्षेत्र कमेटी के जितने ट्रस्टी हैं और प्रबंधक महोदय सभी सम्मानीय अतिथियों के साथ क्रियाएं संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें। पहुंचिए साहब, पहुंचिए। पंकज जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गुड़गांव, वे भी आए आज की मांगलिक क्रिया में हमारी पुण्यार्चकों के साथ। श्रीमान पंकज जी जैन गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव, शिरोमणि संरक्षक हमारे पुण्याजक परिवार, श्रीमान प्रवीण कुमार जी अर्चना जैन इंदौर, श्रीमान प्रवीण कुमार कल्पना जैन बड़जात्या इंदौर, श्री अजय अंजलि वंडी इंदौर, श्री सुनील अरुणा जी वंडी इंदौर, अजय शोवानी अजमेर, श्री लविक जैन कोटा और गुणायतन शिरोमणि संरक्षक पंकज जी, ये सभी मिलकर आज की मांगलिक क्रिया संपन्न कर रहे हैं। और मैं सम्मान से चाहूंगा सभी पुण्याजकों से परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करें। चित्तरावण नहीं हुआ, करवाइए ना। और भैया भैया रुक जाना, बंद कर देना। जब तक हमारा सीधा प्रसारण प्रारंभ, उसके पहले मैं चाहूंगा हमारे ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी प्रबंधक महोदय सम्मानीय अतिथियों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। माणिक चंद जी अजमेरा परिवार के सुपुत्र हमारे बीच उपस्थित हैं, समोषण। हमारे सम्मानीय पुण्याजक परिवार को सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है गुरुवर के चित्तरावण दीप प्रज्वलन, गुरुवर के कर कमल में शास्त्र भेंट करने का और गुरुवर के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र परिसर में जो भी श्रावक श्राविका उपस्थित हैं, बोले परम पूज मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनिश्री 108 विराज सागर जी महाराज की। और आइए आज की मांगलिक क्रिया पुण्याजक परिवार श्रीमान प्रवीण कुमार रचना जैन इंदौर, श्रीमान प्रवीण कुमार कल्पना जी बड़जात्या इंदौर, श्रीमान अजय अंजलि वंडी इंदौर, श्रीमान सुनील अरुणा जी वंडी इंदौर, अजय शोवानी अजमेर, लविक जैन कोटा और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पंकज जी जैन गुड़गांव, ये सभी मिलकर और श्रीमान अभिषेक जैन अजमेर, ये सभी मिलकर आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्तरावण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारे पुण्यार्जक संपन्न कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर आप सम्मान करें। और आइए चित्तरावण दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं सभी पुण्यार्जकों से चाहूंगा सब परिवार यहाँ पर आए और परम पूज मुनिश्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम और शांति पात प्रक्षालन की विधि संपन्न करें। शास्त्र लेके जाएं, चारों पांचों परिवार एक एक ले लें और दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और हमारी सही पुण्यार्जक जो कि इंदौर अजमेर कोटा अजमेर आदि से पधारे हुए हैं, उनके माध्यम से गुड़गांव से पधारे हुए उनके माध्यम से आज शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और सभी परिवार दोनों तरफ पहुंच जावे, एक तरफ पहुंच जावे और पाद प्रक्षालन की विधि संपन्न करेंगे। आइए बंदो, फाल्गुन माह की अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज संत श्रोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य युगल मुनि महाराज, परम पूज मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी, मुनिश्री 108 विराट सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में
आगामी 13 मार्च से 21 मार्च तक 64 मंडली बीजाक्षर मंत्रों से रचना युक्त 64 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। सिर्फ एक मंडल शेष रह गया है जिनके भाव बनते हैं कि हम अपने पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सिद्ध भगवंतों की सिद्ध क्षेत्र भूमि में अनंतानंद सिद्ध भगवंतों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्रदानी के लिए यहाँ पर 100 जोड़ों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कमेटी ने मुनिश्री से आग्रह किया और मुनिश्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। 108 और अतिरिक्त जोड़े बैठने की व्यवस्था कमेटी ने गुरुवर के आशीर्वाद से यहाँ पर रखी गई है। जो भी इंद्रदानी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, सामान्य इंद्रदानी के लिए राशि रखी गई है मात्र 5100 की। 5100 की राशि में आप इंद्रदानी बनकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इस अनुष्ठान में इंद्रदानी भोजन व्यवस्था, सामान्य भोजन व्यवस्था, त्यागी व्रति भोजन व्यवस्था और द्रव्य सामग्री आदि में भी सहयोग प्रदान करके आप घर बैठे साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। और आइए चलते हैं, समय हो चुका है परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का। मैं सभी पुण्यार्जकों से चाहूंगा मांगलिक क्रिया संपन्न करने के पश्चात मंच में स्थान ग्रहण करें और आइए। और इंदौर से जो भी श्रावक श्राविका हमारे बंडी परिवार और बड़जत्ता परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, वे सभी परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में श्री फल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और निवेदन कर रहे हैं ये समोसण मंदिर, उदासीन आश्रम, कल्याण भवन मंदिर, अनुप भवन मंदिर के श्रावक श्राविका निवेदन कर रहे हैं कि आगामी महावीर जयंती का कार्यक्रम आपके सानिध्य में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ इंदौर में हो, ये निवेदन कर रहे हैं। इंदौर दिगंबर जैन समाज के समोसण मंदिर, उदासीन आश्रम, कल्याण भवन, अनुप भवन, कांच मंदिर में जो पूजन आदि करने जाते हैं वे सभी श्रावक निवेदन कर रहे हैं। जैन कॉलोनी, छतपति नगर, कॉलोनी नगर आदि आदि। और आइए परम पूज भैया पहुंचिए, परम पूज मुनिवर से निवेदन करेंगे। उसके पूर्व पूरे भारत वर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के भैया जल्दी जल्दी खाली कर। और आइए परम पूज मुनिश्री से निवेदन कर उसके पूर्व यहाँ पर जो बैठे श्रावक उनकी ओर से और जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिश्री 108 विराट सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। Elmo Arihanta Hi.
सो पंचिन मोयारो सव पाव मनाश्नु मंगलारम च सबे सिम पढ़े मम हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव एक हजार आठ श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हर मनुष्य जीवन जीता है और जीने का सबका अपना तौर तरीका होता है। जिसकी जैसी रुचि होती है उसके जीने का तरीका भी वैसा ही होता है। रुचि हमारे जीवन की राह सुनिश्चित करती है और रुचि न केवल राह सुनिश्चित करती है अपितु रफ्तार भी उसी से बनती और बदलती है। आज बात र की है, रुचि की है। सवाल है अपनी रुचि को पहचानने की। तुम्हारी रुचि किस में है? किसी न किसी चीज में तो रुचि होगी। हर व्यक्ति की अलग अलग मति है, अलग अलग रुचि है। तुम्हारी रुचि किस में? किसी की व्यापार में रुचि है, किसी की गोरख धंधे में रुचि है, किसी की मौज मस्ती में रुचि है, किसी की भोग विलास में रुचि है, किसी की समाज सेवा की रुचि है, किसी की आत्म साधना की रुचि है, किसी की त्याग तपस्या की रुचि है, किसी की तीर्थ यात्रा की रुचि है। तुम्हारी रुचि क्या है? किसी की सत्संग की रुचि, कौन सी रुचि है? कभी पड़ताल किया? रुचि तो है और जैसी रुचि वैसी राह। ज्यादातर संसारी प्राणियों की रुचि पाप रुचि है। पाप के कार्यों में जैसी तत्परता और तन्मयता देखने को मिलती है, पुण्य के कार्यों में वैसी अभिरुचि कम दिखती है। अपने मन से पूछो, बुरे कार्यों के प्रति मन कितनी जल्दी उत्साहित होता है, अच्छे कार्यों के लिए उसे तैयार करना पड़ता है, हैं? और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। संत कहते हैं अगर अपना जीवनोत्थान करना चाहते हो तो सबसे पहली बात रुचि बदलो। क्या करो? रुचि बदलो। रुचि बदलने के लिए क्या करना है? पाप रुचि को धर्म रुचि में परिवर्तित कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज आपके संपर्क में आने के पहले हमारी रुचि कुछ और थी,
आपके संपर्क में आ जाने के बाद हमारी रुचि बदल गई। जिनके पीछे मैं पहले पागल होता था, अब उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती, है ना? आप में भी ऐसे लोग होंगे, ये सोमानी बैठे, रुचि बदल गई। देखो मेरी रुचि बदली है कि नहीं। सबसे पहले अपनी रुचि को पलटिए, पाप रुचि को धर्म रुचि में बदलिए। अगर मेरे हृदय में धर्म के प्रति रुचि जग जाएगी तो मेरा उत्साह ही अलग होगा। फिर जिन धर्म कार्यों के प्रति मैं प्राय आलस और प्रमाद करता था, उनके प्रति मेरे मन में एक उल्लास जागेगा। जिनको मैं अनमने भाव से करता था, उन्हें मैं पूरे प्राणों से संपादित करना शुरू कर दूंगा। खेल रुचि का है महाराज, यही तो मुश्किल है। कभी कभी तो थोड़ा बहुत मन होता है, पर फिर उस माहौल में ढलते हैं तो जहां के तहां चले जाते हैं। संत कहते हैं इसके लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। तुम नित्य प्रति धर्म की भावना भाओ। सत्संग, स्वाध्याय, आत्मचिंतन हमारी धर्म रुचि को प्रगाढ़ बनाते हैं। इनके माध्यम से हम अपनी धर्म रुचि को गहरी बना सकते हैं। बोलिए, जैसे जैसे सत्संग में आप लोग आते हो वैसे वैसे आपकी रुचि बढ़ती है कि घटती है? हाँ, बढ़ती है। तो एक श्रेष्ठ आलंबन है ना, अपनी रुचि को जगाने का, रुचि को बढ़ाने का। अगर एक बार बढ़ गई तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति स्वतः अपने जीवन में बदलाव घटित करना शुरू कर देता है। अगर आपकी रुचि न बदले तो कोई आपसे कितना भी कुछ कहे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, आप मानने को राजी नहीं होगे। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो सुन के रह जाओगे और फिर कहोगे ठीक है कोशिश करेंगे। हम लोग पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं तो कभी किसी को चला के नियम देता नहीं, लेकिन किसी के परिवारजन आते हैं, शिकायत करते हैं, महाराज देखिए ना इनका ये आदत है, कोई गुटखा खाते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं या अन्य किसी प्रकार के व्यसन में फंसे रहते हैं, महाराज छुड़ा दीजिए। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, भैया थोड़ा सोच लो। हाँ महाराज कोशिश करेंगे। ये कोशिश कौन करता है? बहानेबाज। बहानेबाज व्यक्ति कोशिश करता है, और अपने कल्याण का इच्छुक व्यक्ति संकल्पित होता है। रुचि ही नहीं है तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो पहली बात रुचि को बदलने की है, पाप की रुचि को पुण्य में या धर्म में बदलने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या परिणाम आएगा? इसका सबसे बड़ा परिणाम यह आएगा कि आपके चाल चलन में, आचरण और व्यवहार में व्यापक बदलाव घटित होगा। बुरे कर्म से आप दूर हो जाओगे, और कदाचित कुछ करने का प्रसंग आ ही गया, फंस भी जाओ तो अनमने भाव से होगा। करते हुए भी न करने की स्थिति, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी की तरफ हमारी दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए कि मैं अपनी रुचि की पड़ताल करूं, जो मुझे अब तक बहुत अच्छे लगते थे अब वो रसहीन लगने लगे हैं, नीरस लगने लगे। आपके जीवन में
ऐसे कई प्रकार के अनुभव होंगे जिनमें एक समय तक किसी कार्य में आपका बड़ा इंटरेस्ट रहा हो और कोई घटना घट जाए, आपका इंटरेस्ट खत्म। फिर कोई कैसा भी प्रस्ताव दे, प्रलोभन दे, दबाव दे, आपके मन में उसके प्रति कोई झुकाव नहीं होता। क्यों? नहीं भाई, अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, है ना? तो बस मैं यही चाहता हूं कि वो दिन कब आए जब तुम्हारा पाप से इंटरेस्ट खत्म हो जाए। भावना ये भाव, भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि भगवान मेरी पाप रुचि का अंत हो और धर्म रुचि जगे, फिर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद अपने अंदर के उत्साह से वह सब कुछ करने लगोगे जिसकी आज कल्पना भी नहीं हो सकती। देखिए, रुचि जगने या बदलने के बाद क्या होता है। मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी, धर्म में कोई रुचि नहीं, अपराध पैसा था, जुए और शराब में पैसा बर्बाद किया करता था, अन्य प्रकार के व्यसन भी उसके साथ जुड़े हुए थे। लोग उससे कहते तो उसका उसमें कोई रुझान नहीं रहता, कहता भैया तुम जानो हमारे लिए कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मंदिर के बाजू से निकल जाए पर मंदिर में पैर रखने की इच्छा नहीं होती। पर कभी कभी व्यक्ति का जब होनहार अच्छा होता है, निमित्त मिल जाते हैं, बुद्धि पलट जाती है। एक रोज मेरा केस लोच हो रहा था, घटना बहुत पुरानी। उसके मित्र ने कहा कि महाराज केस लोच कर रहे, चल देख ले। बोले क्या केस लोच कर रहे होंगे, केस लोच क्या होता है? बोले बाल अपने हाथों से। बोले हो ही नहीं सकता। बोले चल चल के देख ले। उसने कहा राख में कुछ मिला उला लेते होंगे, उससे करते होंगे केस लोच, ऐसे बाल उखाड़ना कोई सहज। बोले चल तो तू देख। आया, उसको दिखाया कि साधारण सी राख और इसका इस्तेमाल भी केवल हाथ फिसलेने इसलिए कर रहे। वो आकर के बैठा। उन दिनों मुझे 4 घंटे लगते थे केस लोच करने में, 1990 की बात है, आज से 5 गुने बाल थे सिर के, दाढ़ी के, मूछे के, घने बाल थे, जवानी के दिन थे। और वो देख रहा है कि मेरी चारों उंगलियां, दोनों हाथ की 8 उंगलियां कट गई है बाल उखाड़ने से, उससे रक्त बह रही है, सिर से बाल उखाड़ने में भी खून निकल रहा है। और मैं पूरे उत्साह के साथ केस लोच की क्रिया कर रहा हूं। वो आदमी आया और लगभग 2.5 घंटे वहीं बैठा रहा, हिला नहीं। उसके अंदर उथल पुथल मच गई। लोच पूरा हुआ और मेरे चरणों में शीश रखा, बोला महाराज आज आपको देखकर मेरा हृदय बदल गया। एक आप हो और एक मैं हूं, मेरी उम्र आपसे दूनी, लेकिन मैं कहां फंस गया और आप क्या कर रहे हैं? महाराज अब मेरा रास्ता आप बताओ, अब मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं। देख रहा है और अपने आप भीतर हलचल। उस व्यक्ति का बैकग्राउंड तो मुझे मालूम था ही, बैकग्राउंड मालूम था। हमने कहा चलो भाई अभी मिट्टी गीली है, इसे आकार दे दिया जाए। थोड़ा संबोधा, उसे प्रबोधित किया, उसकी चेतना को जगाया और उससे कहा भैया सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। उसने कहा महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयां आपके चरणों में छोड़ता हूं। बोले ठीक है, पक्का रहना। अगले दिन वो चौके में आ गया धोती दुपट्टा पहन के। तो जो लोग शराब पीते हैं उनका हम लोग जल्दी भरोसा नहीं करते,
और जो शराब पीते हैं हमें मालूम हो तो उनके हाथ से हम आहार नहीं लेते कि भैया इतना तो तुझे छोड़, अब आ गया। ऐसे बहुत से अनुभव थे कि छोड़ा और फिर दो चार दिन बाद लेना शुरू कर दिया, अब वो चौके में तो आ गया, अब मैं क्या करूं, लेता हूं तो दिक्कत, नहीं लेता हूं तो दिक्कत। मैंने दिमाग से काम लिया, गर्मी का समय था, पसीना पोंछने के लिए जो लोग कपड़ा पहन रखे हुए थे मैंने उसको कपड़ा पकड़वा दिया, अब वो करता रहा, थोड़ा सा पसीना पोंछता रहा, सुखाता रहा, उसी में लगा, मेरा हार हो गया। हार देने की कोशिश किया, रुको, बाद में उससे कुल्ला करवा लिया। अकेले में पूछा, महाराज आपने हमसे आहार नहीं लिया। हम बोले जिस दिन तेरी पात्रता मुझे समझ में आएगी तेरे से आहार ले लूँगा। तू कल तक शराब पिया है, अभी तेरे अंदर उसके संस्कार है, उसको ठीक कर, पूरी तरह शुद्ध हो जा। बोले महाराज ठीक है, मैं पात्र बनकर के ही आहार दूंगा, पर यह बताइए आपके चौके में तो आ सकता हूँ। बोले चौके में आओगे, चौके में आओगे और जो आज किया वही रोज करोगे। रोज वो चौके में आया, एक भी दिन मुझसे आहार लेने के लिए नहीं कहा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, आप जब मुझे योग्य समझोगे आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं ले लूं, दे दूंगा। और मैंने एक महीने में उसके लक्षण देखे, पश्चिम से पूरब में आ गया, पूरा परिवर्तन, पूरा परिवर्तन। और फिर जब मैंने देखा, हमने बोला भैया अब तेरे से आहार लूंगा और तेरे घर में भी अब आहार ले सकता हूं, तू चाहे तो अपने घर में चौका लगा सकता है। उसे चौका लगाया, आहार हुआ। और आपको क्या बताऊं, उस शख्स में ऐसा बदलाव आ गया, ऐसा बदलाव आ गया कि आज 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहा है। 7 प्रतिमा का पालन कर रहा है, दान धर्म सब में आगे। वो एक बात कहता है कि महाराज अभी तक मैं पाप में लगा था, अब उसे साफ करने का भाव जगा है। ये रुचि का खेल है, कोई भरोसा नहीं कब तुम्हारे अंदर चमत्कार हो जाए। एक बार रुचि बदलो, अपनी रुचि को बार बार परखने की कोशिश करो। संस्कार से पाप रुचि है, अनादि के जन्मों के संस्कार है, उस संस्कार को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो पहला काम रुचि बदलिए, तो पाप की रुचि छूटे, धर्म की रुचि जगे। और जगने के बाद, रुचि जग तो जाती है, ऐसा नहीं कि जगती नहीं है, रुचि बदलती है, रुचि जगती है, लेकिन जगने के बाद उसे बढ़ाइए। वो रुचि दिनों दिन प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होते जाए। जहां आज हूं कल उससे आगे बढ़ूं, और कल जहां हूं आज से और आगे बढ़ूं, रोज रोज आगे आगे बढ़ूं, कदम दर कदम मैं बढ़ते जाऊं, मेरी रुचि उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अपने मन से पूछो, तुम लोगों के अंदर धर्म रुचि है? नहीं होती तो यहां क्यों आते? धर्म के प्रति रुचि है लेकिन कैसी है? हा? एक बार ऐसा हुआ, एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर था, अपने कुछ छात्रों के साथ एक होटल में चाय पीने के लिए गया, रेस्तरा में गया। देखता क्या है कि आगे के टेबल पर 3 लोगों ने चाय पी, पहले ने चाय पी और कप को पलट करके रख दिया, दूसरे ने चाय पी, पहले ने चाय पी और कप को सीधा रखा, दूसरे ने चाय पी कप को उल्टा रख दिया, और तीसरे ने चाय पिया उसको लिटा के रख दिया। एक ने कप को सीधा रखा, एक ने कप को उलट के रखा, और एक ने कप को लिटा के रखा। छात्रों ने पूछा, सर तीनों ने बराबर चाय पी, लेकिन ये तीनों ने जो कप को अलग अलग रखा है, इनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या बताते हैं? बोले देखो भाई, जिसने कप को सीधा रखा है
उसकी मानसिकता ये दर्शाती है कि इसे अभी चाय और चाहिए। कप को सीधा रखने वाले की मानसिकता ये बताती है कि अभी चाय इसे और चाहिए। और जिसने पलट के रखा है वो क्या बोले, अब हो गया, अब चाय नहीं चाहिए, अब बस। बोले ये आड़े वाला, बोले ये बीच का है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, है ना। अपने मन से पूछो तुम्हारी कप सीधी है आड़ी, है ना, क्या है आड़ी, मिल गए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। बोला हम लोग बड़े संतोषी, ज्यादा हाय हाय नहीं है, नहीं। पाप के कप को पलट के रखो और धर्म के कप को हमेशा खुला रखो, ताकि जब जितना मिल सके भरते रहो, उसमें कभी तृप्त मत होना। तो रुचि को उत्तरोत्तर बढ़ाइए, कभी घटे कभी बढ़े, कभी घटे कभी बढ़े, इसमें मजा नहीं है। जितनी जितनी रुचि बढ़ेगी धर्म के प्रति, उतना उत्साह बढ़ेगा, और धर्म के प्रति जितना उत्साह बढ़ेगा धार्मिक क्रियाओं का आनंद भी उतना ही होगा। तो जो काम करो रुचि पूर्वक करो, रुचि को उत्तरोत्तर बढ़ाओ। आप देखिए पूजन करते हैं आप लोग, एक व्यक्ति है जो रुचि पूर्वक पूजा करता है, या आप कभी बड़े खूब मन लगा करके पूजा करते हैं तब के मजा में, और कभी अनमने भाव से पूजन करते हैं तब के मजा में, कब अच्छा लगता है हा? जब मन लगा कर करते हैं। और मन कब लगता है, जब आपकी रुचि होती है, ना। तो ये एक उदाहरण है, कभी भी अपने अंदर की रुचि को मंद मत होने दो, और जब रुचि घटने लगे तो ऐसे निमित्तों का आश्रय लो कि फट से बढ़ जाए। ये तो आपकी बैटरी है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है ना। तो क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, कहाँ करते हैं, पावर पॉइंट में ना, जहां पावर पॉइंट होता वहीं रिचार्ज होता, कहीं भी हो जाता है हाँ। तो बस आप अपने मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जितने उत्साहित होते हो, मन की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए उत्साह होना चाहिए। और जब बैटरी डाउन होने लगे तो क्या करो, रिचार्ज करो, कहाँ जाकर, पावर पॉइंट के पास जाकर। पावर पॉइंट से पावर ले लो, रिचार्ज हो जाओ, फ्रेश होकर के फिर आप अपना काम बखूबी कर सकते हैं। तो वो रुचि जगे, पाप रुचि को धर्म रुचि में बदलिए, धर्म की रुचि को जगाइए, धर्म की रुचि को बढ़ाइए। धर्म रुचि के साथ तीसरी रुचि आत्म रुचि। कौन सी रुचि, आत्म रुचि। धर्म की क्रियाओं में रुचि होने के बाद भी व्यक्ति के मन में आत्मा के प्रति रुचि हो कोई जरूरी नहीं है। खूब धर्म करते हैं आप लोग, किस लिए करते हैं बोलो, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, मिल गया, सब जान रहे हैं। मेरी धर्म में रुचि है पर किस लिए, आप धर्म करते हो किस लिए, कर्म काटने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए। कितना काट लिए, दिखा कभी कर्म, बिल्कुल ठीक है, ये तो थोड़ा पढ़े लिखों का उत्तर है, पर अमूमन अमूमन हम जब अपने धर्म रुचि की पड़ताल करते हैं
तो मुझे चार प्रकार के दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। एक दृष्टिकोण जो बहुत ज्यादा रूढ़ है कि धर्म कटे करेंगे तो संकट टलेंगे, इसलिए धर्म करो कोई मुसीबत नहीं आएगी, दिल दिमाग में बैठाया हुआ है बचपन से। और ये तो हमें तब एग्जाम है जा मंदिर चले जा रिजल्ट अच्छा आएगा, ये पेपर तो लिखा है पहले, आज रिजल्ट खुलना है भगवान के दर्शन करिया है ना, और फिर उसका नतीजा क्या होता है। एक बच्चा भगवान के दर्शन करने गया, भगवान से प्रार्थना कर रहा है भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, प्रार्थना कर रहा है भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। जब जोर जोर से ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, तो बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने बोला भैया राजधानी दिल्ली हो या मुंबई तेरे को क्या फर्क पड़ेगा। बोले और किसी को पड़े या ना पड़े मेरे को तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने भूल से पेपर में राजधानी मुंबई लिख दिया। भगवान क्या करे, भगवान को तो लोगों ने एकदम एक प्रकार का मस्खरा मान लिया, जो काम कोई नहीं करे भगवान करा लो, उल्टे हो तो और सीधे हो तो सब भगवान करेंगे। ये धर्म की सही समझ न पनप पाने का परिणाम है। हमारे लिए बात बिताई जाती है, थोड़ा और धर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य की रुचि जगती है, पुण्य मिलेगा, अरे थोड़ा धर्म कर लो पुण्य मिलेगा तो क्या होगा, सुख समृद्धि होगी। पुण्य चाहिए तो पुण्य की रुचि तो सबको है ही, चलो इसलिए धर्म कर लो, कितना पुण्य बटोरा वो तो भगवान ही जानते। तीसरा कंसेप्ट जो धर्म करने वाले हैं, दुर्गति टलेगी, क्या टलेगी, दुर्गति टलेगी, तो वो भी मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, और कुछ भी करो मरने के बाद स्वर्गीय तो हो ही जाना है, उसमें कोई संशय नहीं है। आज तक देश में जो भी मरा उसको स्वर्गीय कहा, नरगी तो एक भी गया नहीं, यानी भारत से जाने वाले सब स्वर्ग पहुंचते रिजर्वेशन में। और चौथा, हमारा परंपरागत संस्कार, माँ बाप ने शुरू से हमें धर्म करने के लिए सीख दी, संस्कार दिए, सो मैं धर्म करता रहा हूं। ये चार ही ज्यादातर दिखते हैं, है ना, पर मैं मानता हूं आप इन सबसे बाहर हैं, है ना, आप लोग तो बिल्कुल शुद्ध आदमी हो। सही रुचि क्या होनी चाहिए धर्म के लिए, आत्मा के कल्याण की। धर्म करने से मुसीबतें दूर होगी या नहीं इसकी मुझे परवाह नहीं, धर्म करने से पुण्य बंधेगा या नहीं इसकी मुझे कोई चाह नहीं, धर्म करने से दुर्गति टलेगी या नहीं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, धर्म करना अच्छा है इसकी मेरे मन में कोई रुचि नहीं, धर्म करने से मेरा जीवन पवित्र होगा, मेरी आत्मा पावन बनेगी, मेरी आत्मा का कल्याण होगा, मेरे जीवन का उत्थान होगा, इस समझ के साथ धर्म करो। पुण्य कमाने के लिए धर्म करने वाले बहुत मिल जाएंगे, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करने वाले लोग बहुत विरल होते हैं। पुण्य कमाना आसान है, पुण्य बनाना बहुत कठिन। पुण्य कमाने के लिए थोड़ी सी क्रिया करनी होती है, और पुण्य बनाने के लिए सारे जीवन साधना में खपना पड़ता है। लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्मा की शुद्धि, आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण। ये कब होगा,
जब आत्म रुचि जागृत होगी तो पाप रुचि से हटकर धर्म रुचि हो और धर्म रुचि जग जाए तो आत्म रुचि हो, तब सच्चा धर्म होगा। आत्मा के स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इसका गहराई से विचार करो। जो जो आत्मरुचि प्रगाढ़ होगी, दुनियादारी अपने आप छूटने लगेगी, तुम्हारा चिंतन बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, फिर तुम्हें ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे व्यक्ति का आत्मा के प्रति रुझान बढ़ता है, उसकी प्रवृत्तियों में वैसे वैसे सहजता आनी शुरू हो जाती है। उस आत्मा को जानो, आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा को पहचानने की कोशिश करो, उसके प्रति रुचि। जिसके हृदय में एक बार आत्म रुचि जग जाती है, उसे और कुछ रुचता ही नहीं, हर कार्य में उसको आत्मा दिखती है। संत कहते हैं, कुछ भी करो, केंद्र में आत्मा को स्थापित करके करो। जिसके लिए सब मैं कर रहा हूं, वो मेरे अंतस में जगनी चाहिए, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। आत्म रुचि का नाम ही सम्यक तो है। जिससे देखा जाए तो मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत होती है। कहते आत्म अनात्म के ज्ञान बिन, आत्म अनात्म के ज्ञान बिन, जे जे करनी तन करन छीन। आत्मा और अनात्मा को जाने बिना, आत्म रुचि जगाए बिना, तुमने जो भी किया केवल शरीर की को छीन करने की क्रिया की। चाहे कितनी भी बड़ी तपस्या की हो, चाहे कितना भी बड़ा त्याग किया हो, चाहे कैसी भी साधना की हो, चाहे कैसा भी पुण्यानुष्ठान किया हो, आत्मा की रुचि जगाइए तो जीवन का कल्याण होगा। तो पाप रुचि मिटाना है, धर्म रुचि जगाना है, बढ़ाना है, और धर्म रुचि के साथ आत्म रुचि जागृत करे, और आत्मा की रुचि के बाद कल्याण रुचि। किसकी रुचि? कल्याण। अगर आपके हृदय में कल्याण का भाव जगे, कल्याण की रुचि जगे, तो वैराग्य अपने आप बढ़ेगा, सांसारिकता से लगाव घटेगा, छटपटाहट होती है। आपने कभी अनुभव किया, कहीं आप हो, सब प्रकार की अनुकूलताएं, सुख सुविधाएं हैं, अच्छी बातचीत चल रही है, सब आपके मनोनुकूल व्यवस्थाएं, लेकिन आपका मन मान लो महाराज से मिलने का हो रहा हो, तो आप उससे बात करने में रुचि लेंगे कि सीधे उसको निपटाना चाहेंगे कि चलो जल्दी चलना, अभी महाराज का प्रवचन सुनना है, क्या करोगे? हाँ, क्यों, किस में रुचि है? तो प्रवचन में रुचि है, इसलिए आप सब काम छोड़ के आ रहे हैं। वो काम जो पहले आपको बड़े प्रिय लगते थे, वो व्यक्ति जो आपके बड़ा प्रिय था, नहीं भैया अभी ठीक है, तेरे से बाद में बात करेंगे, अभी जा रहा हूँ, महाराज का प्रवचन है, तेरे से बाद में बात करेंगे, होता है? बात कर रहे हैं, जरूरी बात भी हो तो आपके लिए गैर जरूरी हो जाती है, जरूरी व्यक्ति हो वो व्यक्ति भी आपके लिए गैर जरूरी बन जाता है। क्यों? मेरी रुचि दूसरी तरफ है। बस ऐसे ही जिस मनुष्य के हृदय में एक बार कल्याण की रुचि जग जाती है, उसे दुनियादारी की चीजें व्यर्थ लगने लगती है, उसमें उसका कोई रस नहीं होता। छोड़ो ये सब, बाद में देखेंगे। आत्म कल्याण की प्रबल ललक बढ़ती है,
जो जीवन की दिशा और दशा को बदल डालती है। तो अपने कल्याण की रुचि जगाइए। और कल्याण की रुचि कब जगेगी? जब नित्य प्रति संसार शरीर और भोगों की असारता का चिंतन करोगे। संसार शरीर और भोगों की असारता का चिंतन करो, जिनमें हमारे गाढ़ रुचि बनी हुई है, ये नश्वर है, असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। संसार तो दुखमय है, सारा संसार शोकमय है। चार पंक्तियां आज आप सबको बता रहा हूं, इन्हें रोज याद करो, तुम्हारी धर्म रुचि और कल्याण रुचि को, आत्म रुचि को बढ़ाएगा। संसार शोकमय है, काया रोगमय है, जीवन भोगमय है, संयोग वियोगमय। क्या याद करना है? संसार शोकमय, काया रोगमय है, जीवन भोगमय है, संयोग वियोगमय है। तो फिर सत्संग उपयोगमय है। रोज इसे याद करो, दोहराओ, रुचि जगेगी, रुचि बढ़ेगी, जीवन में बदलाव आएगा। एक मोड़ घटित करो, जीवन का बहुभाग व्यतीत हो गया, इसके बाद भी यदि तुम्हारी रुचि न बदले और बदल जाए तो न बढ़े, तो फिर इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, एक हिचकी आएगी और खेल खत्म। लोग कहेंगे, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो उससे मैंने बात की थी। अगले पल का कोई भरोसा है? कब करोगे? अपने आत्मा के कल्याण का भाव जगाइए, प्रगाढ़ता के साथ जगाइए। नहीं, अब ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, मुझे इसे व्यर्थ नहीं खोना है। फिर आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, बातें करने से कुछ नहीं होगा। काम कब होगा? जब हम आचरण करेंगे, उस दिशा में चलेंगे। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु पाप की रुचि समाप्त हो, धर्म में रुचि हो, मेरी आत्म रुचि जगे और कल्याण की ऐसी रुचि जगे, ऐसी रुचि जगे, ऐसी रुचि जगे कि अकल्याण का कोई कर्म ही मैं नहीं कर सकूं। बस यही प्रार्थना करो, यही भावना भाव, भगवान से यही याचना करो, देखिए कितना आनंद आता है। जितने भी धार्मिक समागम होते हैं वो हमारी रुचि को जगाने में कारण बनते हैं या रुचि को बढ़ाने में कारण बनते हैं? उन लोगों की जिनकी आज तक रुचि जगी नहीं, उनकी रुचि जग जाती है, और जिनकी पहले से जगी हुई है उनकी रुचि बढ़ जाती है ना? तो अच्छे निमित्तों का आश्रय लो, सत्संग उसमें एक बड़ा सबल निमित्त है। सत्संग और स्वाध्याय से अंदर की रुचि बदलती है, बढ़ती है, प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर करने की जरूरत है। वो जितनी बढ़ेगी जीवन उतना बदलेगा, वह प्रयास हमारा होना चाहिए। आने वाले अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन, एक महान अनुष्ठान जिसमें सिद्ध चक्र के सारे मंत्रों का मूल उच्चारण गुरुओं के मुख से, संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान जिसमें विशुद्धतया आराधना, जो हमारे पापों के क्षय का कारण तो होगा ही, हमारी रुचि के परिवर्तन का बीज भी बनेगा। कहते भक्ति में विरक्ति का बीज बना होता है। अगर हम ठीक मन से भक्ति करते हैं तो अंदर विरक्ति के संस्कार जगते हैं। पिछले विधानों से ऐसे अनेक लोग जुड़े जो इन्हीं विधानों में, जिनकी पहले कोई रुचि नहीं थी,
आज उनकी रुचि में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। आप सब रुचि पूर्वक उसमें अपनी सहभागिता दीजिए। जीवन का एक अपूर्व अवसर है, उसका लाभ उठा करके चलिएगा तो एक बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। हम ऐसे ही बढ़ाएं 64 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें एक साथ 64 मंदिर में 64 भगवान विराजमान होंगे, मंडल होगा और विजाक्षरों से संयुक्त उसकी पूरी आराधना होगी। वो हम सबके जीवन में एक नए प्रकार की विशुद्धि का प्रस्फोट करेगा और हमारे आत्मकल्याण का सबल निमित्त बनेगा। जो लोग उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए हैं वे सब भाग्यशाली हैं, जो रह गए हैं वे भी अभी उनके लिए अवसर है, वो उसका लाभ उठाए। ऐसे अवसर बहुत कठिनाई से मिलते हैं, हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए। अपनी रुचि ऐसी हो कि कोई भी धर्म का कार्य हो सबसे पहले मैं, ये होना चाहिए। पाप का कार्य हो सबसे आखिरी में, या तो करूं ही नहीं, करना ही हो आखिरी में। आप लोग उल्टा करते हो, पाप का कार्य हो तो सबसे पहले मैं, और पुण्य का कार्य हो तो कोई मूवी आती है तो फर्स्ट शो देखना है। क्या देखना है? रिलीज होते ही फर्स्ट शो देखना है ना। और धर्म के कार्य में जिसकी दुनियादारी में रुचि होती वो कहेगा फर्स्ट शो मुझे देखना है, और जिसकी धर्म में रुचि होगी वो कहेगा सबसे पहले मुझे करना है, सबसे आगे मुझे रहना है, पीछे कभी मत रहना। आगे चलते चलो, आगे चलते चलो, आगे चलते चलो, चलते चलते ही हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भले हम धीमी गति से भी चले पर चलना शुरू करें, रुचि एक बार बदल जाए, कम से कम हम अपनी रुचि को बढ़ा ना सके तो घटने ना दें, रुचि को बदल ले। अभी तक मेरी पाप रुचि थी, उधर से मैंने मुंह फेर लिया, अब उधर पीठ हो गई, अब मेरी धर्म रुचि है और मेरे सामने केवल वही और वही दिख रहा है। मैं उसी तरफ आगे बढ़ूंगा और कोई दूसरा रास्ता अब मैं चुनने वाला नहीं हूँ। ऐसी भावना जग जाए तो जीवन बदल जाए। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हम निश्चयतः अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो, मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, इस जग
जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। हो मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। डाले अमंगल भाव। डाले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज मनीष श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की।